गाइज, आप में से जितने भी लोगों ने अभी जस्ट अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया है या फिर अभी सोच रहे हो कि एक YouTube चैनल को क्रिएट करके वीडियोस को पोस्ट करना, तो फिर उन लोगों को मैंने ये बोला था कि अभी एज अ स्टार्टअप के लिए आपको कोई भी DSLR परचेज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप अपने स्मार्टफोन के कैमरे से ही वीडियोस को जो है बहुत ही आसानी से शूट कर पाओगे। बात तो सही है, और साथ ही साथ मैंने ये भी बोला था कि हो सके तो अपने स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे को अवॉइड करके जो बैक कैमरा है, मेन कैमरा है, उसी से अपना फेस कैम को शूट किया करो, तो फिर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है वीडियो आउटपुट देखने को मिलेगा। बात यह भी सही है। इसी के अकॉर्डिंग इंस्टाग्राम पे मेरे को एक मोहतरमा ने मेरे को पूछा कि आपने तो बोला कि स्मार्टफोन के बैक कैमरे से वीडियो को शूट करो, लेकिन अगर बैक कैमरे से शूट ही कर रहे हैं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कैमरे के पीछे क्या रिकॉर्ड हो रहा है। बात तो सही है। दरअसल मैंने इस चीज पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि पहले टाइम पर जब मैं फेस कैम करता था अपने स्मार्टफोन से, तो फिर मैं अपने फ्रंट कैमरे को यूज करता था, बैक कैमरे से कभी किया है नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो पर मैं लेकर आया हूँ इसी का एक सॉल्यूशन कि कैसे आप अपने इस स्मार्टफोन के बैक कैमरे से शूट किए वीडियो को। हाँ, ये स्मार्टफोन से शूट हो रहा है, आप देख सकते हो। तो इस स्मार्टफोन के बैक कैमरे से शूट किए गए वीडियो को आप कैसे अपने दूसरे स्मार्टफोन पर कुछ इस तरीके से जो है विदाउट इंटरनेट आप मॉनिटर कर पाओगे, काफी यूजफुल है ना। और गाइज, इसको करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको बस इस वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। हेलो फ्रेंड्स, बहुओं का शराब देकर टेक्निकल्स का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मेन दिक्कत क्या होता है पता है, मान लीजिए कि मैं इसको अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग के पहले मुझे कुछ इस तरीके से जो है बार बार उठ के बैठ के एक वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसके बाद जाके कुछ होता है नहीं भी होता, ऊपर का स्पेस बहुत ज्यादा रहता है या फिर नीचे का स्पेस बहुत ज्यादा रहता है, बॉक्सर्स भी देखने को मिलते हैं कभी कभार। ऑल राइट, इस चीज को करने के लिए चाहिए आपको एक एप्लीकेशन जो कि रियली में पावरफुल एक एप्लीकेशन है, जिसका नाम है ए पावर मिरर, नॉट स्पॉन्सर्ड। और उसी के साथ चाहिए आपको दो स्मार्टफोन्स, क्योंकि एक स्मार्टफोन से आप वीडियो को शूट करोगे और दूसरे स्मार्टफोन से आप कुछ इस तरीके से जो है मॉनिटर करोगे। बस उसके बाद का प्रोसीजर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कोई भी इंटरनेट कनेक्शन की कुछ भी जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको इस ए पावर मिरर एप्लीकेशन को जो है दोनों स्मार्टफोन पर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको जिस स्मार्टफोन का कैमरा यूज करना है एज ए बैक कैमरा, मेन कैमरा, उस पे जाके उसका जो हॉटस्पॉट है उसको करना है टर्न ऑन। हॉटस्पॉट का एक इशू है, वो ये है कि जैसे कि मैंने बोला था कि वीडियो को शूट करने से पहले जो है फ्लाइट मोड पे कर लेना, लेकिन मैंने देखा कि जब भी मैं फ्लाइट मोड करता हूँ तब हॉटस्पॉट एकदम से डिसेबल हो जाता है, उसको टर्न ऑन करना एकदम से इम्पॉसिबल है। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके स्मार्टफोन पर, जिस स्मार्टफोन से आप वीडियो शूट करोगे उस पर अगर कोई भी सिम कार्ड अवेलेबल है उसको पहले तो डिसेबल कर लो, उसके बाद जाके हॉटस्पॉट को टर्न ऑन कर दो, फ्लाइट मोड की कोई भी जरूरत नहीं है। हॉटस्पॉट को टर्न ऑन करने के बाद जिस स्मार्टफोन से आपको मॉनिटर करना है उसका जो वाईफाई है उसको टर्न ऑन करके उस हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट करवाना है, उसके बाद आपको दोनों स्मार्टफोन पर जाके उस एप्लीकेशन को जो है ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कि इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, लाइक बहुत ज्यादा सिंपल है। देन आप जिस स्मार्टफोन का मेन कैमरा यूज करने वाले हो उसी पे बस इस ऑप्शन पे टैप करना है, टैप करने के बाद यहाँ पर सर्चिंग स्टार्ट हो जाएगा। देन आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो वाईफाई आपके हॉटस्पॉट के साथ कनेक्टेड है, जिस स्मार्टफोन का वाईफाई, उसका मॉडल नेम यहाँ पर शो कर रहा है, बस यहाँ पर करना है टैप। टैप करने के बाद आप देख सकते हो कि जो दूसरा स्मार्टफोन है जिसका वाईफाई कनेक्टेड है इस हॉटस्पॉट से, इस स्मार्टफोन के हॉटस्पॉट से, हॉटस्पॉट्स, वहां पे आप देख पाओगे कि जो आपका स्मार्टफोन का जो भी लुक होगा वहां पे ये मिरर हो रहा है। स्क्रीन मिररिंग के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा जो कि HDMI के जरिए हम लोग करते हैं, सेम टू सेम यहाँ पर ये चीज हो रहा है विदाउट इंटरनेट वायरलेसली। और यहाँ पर जो आपको मिररिंग का आउटपुट देखने को मिल रहा है ना गाइस, आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा कमाल का क्वालिटी है। देन आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस यहाँ पर जो कैमरे का एप्लीकेशन है जिसका मतलब कैमरा आप यूज करने वाले हो वहां पे बस टैप करो। टैप करने के बाद आप देख सकते हो कि जो वाला स्क्रीन मिरर कर रहा है वहां पे आपको एज ए मॉनिटर जो है शो कर रहा है कि कैमरा का आउटपुट कैसा है। मिररिंग का तो काम ही है ना कि जो स्क्रीन पर दिखाएगा वही आपको यहाँ पर शो करेगा, सो आप इसको एज ए मॉनिटर यूज कर पाओगे गाइस। इसको आप एक तरीके का ट्रिक भी कह सकते हो और काफी ज्यादा यूजफुल है जो लोग अभी हाल ही में स्टार्ट करने वाले हो, अपने स्मार्टफोन से वीडियो शूट करना चाहते हो और आप लोगों को दिक्कतें फेस हो रहा है कि हाँ फ्रंट कैमरा उतना ज्यादा सही नहीं है, मेरा बैक कैमरा बहुत सही है, तो फिर आप बैक कैमरे से एज ए मेन कैमरा आप फेस कैम को शूट कर सकते हो लाइक दैट। सो अगर आप ए पावर मिरर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हो तो फिर इसका डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां पे जाके इस एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो।
सकते हो, दोनों स्मार्टफोन पर इंस्टॉल कर लेना। और वीडियो बस यही था, बहुत ज़्यादा क्विक टाइप का वीडियो था मेरे को पता है, लेकिन हाँ बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। वैसे आप मुझे ये कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाना चाहिए, और हाँ कैसा लगा वीडियो वो भी कमेंट करके बताना। और वीडियो अगर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है तो फिर इस वीडियो को जरूर से शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ। So, goodbye.